गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं लखनिया दरी। लखनिया दरी आप लोग ये नज़ारा देखेंगे तो सब सब बताऊँ ना तो आप लोगों को क्या बोलते हैं मनाली जुहू, मैं तो गया नहीं हूँ लेकिन बता रहा हूँ कि क्या एकदम पहाड़ी पहाड़ पहाड़ी पहाड़ जिधर जाओ। ये सिर्फ इतना ही रेंज में नहीं है, पूरा आधा से ज़्यादा मिर्ज़ापुर पूरा पहाड़ी पहाड़ पहाड़ी पहाड़। इतना शानदार लग रहा है ना व्यू। इसमें हम लोग लेक कभी नहीं देखे थे, लेक लेक झील, लेकिन आज झील भी देखें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे अगर आपकी चाय की दुकान है या ऐसे नाश्ता करने वाली दुकान है तो सच में बताऊँ कसम से बहुत चलेगी यार, बहुत चलेगी। यहाँ पे गजब की भीड़ है। वहाँ पे देखिए पूल है और जैसे इंग्लैंड उंग्लैंड में होता नहीं है वो ऐसे लग रहा है। लेक आज हमने देखा एकदम स्वच्छ पानी का। अब चलते हैं आगे लखनिया सुकृत रेंज। दोस्तों एक दिक्कत वाली बात है कि हम लोग आने में देर कर दिए, यहाँ पे 4 बज गया और 5 बजे तक लास्ट टाइमिंग है, यानी 1 घंटे हम लोग यहाँ पे इंजॉय कर पाएंगे, यानी इस रेंज में। फिर इंजॉय तो पूरा कर सकते हैं इस रेंज में, यानी कि वाटरफॉल जो है वहाँ पे बस 1 घंटे ही इंजॉय कर पाएंगे, 1 घंटे काफ़ी है। आप नज़ारा देखेंगे ना तो मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ क्या बोलना चाहिए मुझे। सच में मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं, सीधा रास्ता है और इधर आप लोगों को झरने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो अच्छा है, नहीं तो देखिए कितने लोग ना आ रहे हैं यहाँ पे। हर लोग यहाँ पे देखिए सभी लोग ना आ रहे हैं, क्या व्यू है यार। ये इतना ही नहीं है, उसके नीचे अभी पानी हमें लग रहा है कि यहाँ पे कम है इसलिए ऐसा है। देखिए भैया जी थक गए हैं पूरा एकदम, थक गए भैया जी एक तो कार भी चलाना है ऊपर से थक भी गए हैं, थोड़ा शरीर भी इनका भारी है। और यहाँ पे देख रहे हैं व्यूज, यहाँ पे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे पूरा चौड़ा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले तो ये चट्टान मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बन रही है, ये चट्टान सब क्या ही बोलूँ यार। आपको आना चाहिए, अगर आप आस पास के हैं तो आप आइए, एक दिन में आप पूरा अगर अपने निजी साधन से हैं तो घूम लेंगे। दोस्तों ये गजब का रेंज है, गजब का रेंज है, बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही ब्रॉड। यहाँ पे बस पानी नहीं है, देखिए ये सब जो कटा हुआ है पत्थर आपको दिख रहा होगा, डिज़ाइनिंग इसकी ऐसी लग रही है जैसे इस पे से पानी बह रहा था। सच में यहाँ पे पानी बह ही रहा था लेकिन इसमें पानी नहीं है, पानी कम हो गया है, नहीं तो इधर से बच्चों को लिखिए पानी से दूर ही रखें। ऐसे चट्टान एक दूसरे पे कैसे हैं यार, ये कहाँ से आया। हमें लग रहा है कि यहीं पर फैक्ट्री भी है इसकी, कि चट्टान काट के जो घर और बनाया जाता है मार्बल यहीं से जाता है। यहाँ पे देखिए गजब का है, और जो किला बना था मैं आपको बता दूं चुनार का, वो यहीं से गया था, हालांकि हमने नहीं भिजवाया था लेकिन बहुत पहले से बना गया था। दोस्तों देखिए आप लोग, ये अगर जो छोटे बच्चे यानी 10th 8th 9th के देख रहे होंगे, जो अभी बुक्स में देखे होंगे, जब मैं भी देखता था तो आश्चर्यचकित हो जाता था, ऐसी ऐसी चट्टाने आज काफ़ी दिख रही हैं जो सामने से देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे लकड़ी का हो, लकड़ी का चीरा, लेकिन ऐसा नहीं है, चट्टान है, काफ़ी पुरानी हो गई है। देखिए जैसे लकड़ी का है, ये जीवाश्म वाश्म पढ़ने में आता है जो हम लोग कभी पढ़ते थे। इधर देखिए पूरा ऊपर पहाड़ी है, एक एक पेड़ है, वो ऐसा लग रहा होगा आपको कि बहुत नज़दीक है, नहीं वो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर, उसकी ऊंचाई भी काफ़ी है। यहाँ पे देखिए कुछ कोर्ट्स लिखे गए हैं, आजकल के चर्चित कोर्ट्स, मतलब वाओ यार गिरेगा ऊपर तो क्या होगा। यहाँ पे ऐसे रामायण वायण में हम लोग देखे थे इसको। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं इसमें से जो रिसाव हो रहा है शायद यहीं से पानी आता है, फिलहाल नहीं आ रहा है, ये रिसाव हो रहा है, इस चट्टानों में से पानी आता है, ऊपर से आता है, कैसे आता है कुछ अभी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। यार दोस्तों ये मेरे जो दोस्त हैं सामने चूती है, एकदम निकलते जा रहे हैं तलाश में कि किधर पानी अच्छा गिरे। इतना दूर चले गए अभी आधी घंटे में, टाइम उतना बचा नहीं है, फिर हमें निकलना है। यहाँ पे लिखा है कि आगे प्रवेश वर्जित है, लेकिन सब जाए जा रहे हैं तो भैया पहले ही सरेंडर बोल दिए कि आप जाइए। अरे यार ये तो स्लीपिंग कर रहा है। मैं इस चप्पल को अपने हाथ में ले लेता हूँ और मैं यहाँ से चल रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं भी रेडी हो चुका हूँ नहाने के लिए, अब चलता हूँ मैं भी नहाने के लिए। इधर सब नहा रहे हैं जहाँ पे। सो गाइस अभी हम बता दें कि सबका मन नहीं भर रहा है, सबको ज़्यादा पानी चाहिए, तो हम लोग देखिए ये सब छोड़ के उतना काफ़ी ढलान छोड़ के हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ। ये देखिए ये काफ़ी इसमें से लग रहा है पानी गिरता है, इस समय तो सूखा हो गया सब, पानी नहीं इधर, नहीं तो क्या गजब आता।
ये देखिए दोस्तों, ये ही सब है जब पानी गिरता है। यूट्यूब गूगल पे आपको मिलता होगा इमेज, लेकिन यहाँ पे इसमें पानी नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ पानी कहाँ पे है, कहाँ से आवाज़ आ रही है इतने तेज। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि करीब भी आ चुका हूँ उस वाटरफॉल से जहाँ से पानी ये पूरा बहता हुआ जा रहा है। उधर पानी बहता हुआ इधर जो जा रहा है मुख्य रूप से कहीं तो होगा, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी इस समय, तो आवाज़ को सुनिए और हम आपको लेके चलते हैं वहाँ पे, दिखाते हैं, आप भी कहेंगे वाह यार। यहाँ से देखने ये पानी कहाँ से आ रहा है, आप लोग भी सोच रहे होंगे ओ आपने तो देख लिया यार, अभी दिखा रहा हूँ अच्छे से उसको, आप देखिए दोस्तों वाह, देखिए फाइनली पानी गिर रहा है। इसमें कम पानी गिर रहा है, लेकिन यही पानी जब बरसात होता है तो बहुत ज़्यादा गिरता है। अभी मैं दौड़ते दौड़ते आ रहा हूँ तो काफ़ी गर्मी हो चुकी है, आपको जब आना है तो इस चट्टानों पे संभल के आना क्योंकि स्लीपिंग बहुत ही काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ी सी असावधानी बरते तो आपको चोट लगेगी बहुत तगड़ी वाली। चलिए नज़दीक से दिखाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खुशी, यार देखिए मज़ा आ गया यार, यहाँ पे पूरा तालाब की तरह पानी भरा हुआ है। तो अगर बारिश होती तो कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ था, यहाँ पे देखिए गिर रहा है दोनों झरने से पानी वहाँ से, अब वहाँ से गिर रहा है। अगर मेरे पास कुछ व्यवस्था आता पता चलता तो मैं जाता ऊपर से देखता कहाँ से पानी आ रहा है, लेकिन अभी नहीं जा सकता। वहाँ पे देखिए दोस्त सब चले गए, अब मैं भी वहाँ से जाऊँगा और नहाऊँगा वहाँ से, देखिए। ओ दोस्तों देखिए, अब देखते ही रह जाएंगे भाई क्या है वाटरफॉल। यही है मिर्ज़ापुर का बांध, यही है मिर्ज़ापुर का वाटरफॉल, यही है। ऐसे ऐसे मिर्ज़ापुर में 10-12 वाटरफॉल हैं, 10-12 वाटरफॉल दोस्त। यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, मैं अभी जा रहा हूँ, काफी तेज पानी गिर रहा है दोस्तों, तो गजब मजा आने वाला है। मैं चल रहा हूँ पास में दोस्तों, बस आप देखिएगा ऊपर, देखिए ये देखिए कुएं की तरह यार, क्या गजब, क्या गजब यार, बिल्कुल कुएं की तरह है। काफी ऊपर भाई भी हाथ हिला रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं, काफी कुएं की तरह यार, यार क्या गजब। तो दोस्तों आप देखिए ना, अभी मैं नीचे दिखा रहा हूँ, ऐसे करिए देखिए कैसे लहर रहा है पानी, लहर रहा है पानी, हवा की थोड़ी सी तेजी आ रही है तो लहर रहा है, देखिए काफ़ी ऊपर है, काफ़ी ऊपर है दोस्तों। यहाँ से ये अंदर गहरा है, अभी आपको दिख नहीं रहा है, कुएँ की तरह, ऐसे कुएँ की तरह नहीं कर सकते, जैसे चौड़ा है बीच में गोला होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, ऐसे ही करके क्या गजब। इधर सब पानी देखिए बूझे गिर रहे हैं, इधर से भी थोड़ा थोड़ा, लेकिन सूख गया पानी नहीं, इसीलिए नहीं तो पूरा गिरता यार, क्या व्यू होता, क्या नज़ारे होते। ये देखिए अंदर तक पूरा है, पूरा अंदर तक है दोस्तों। दोस्तों ये सब देखिए सब के सब नहा रहे हैं यहाँ पे सभी लोग, यार काफी अच्छा है। अब गिरा गिरा, अभी देखो कितना काई है, कितना काई है यार, आपको बताने एकदम एसी जैसी हवा चल रही है, इतना वाह यार ठंडा लग जाएगा। इधर हम लोग वाटरफॉल के विपरीत हैं, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ ये कैसे जा रहा है, मैं भी वैसे ही जाऊँगा। वहाँ भी देखिए काफ़ी तगड़ा पानी गिर रहा है यार, क्या फन होने वाला है, मोबाइल लेके कैसे जाएं हम यही सोच रहे हैं, देखिए काफ़ी फन। तो दोस्तों बताएं आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा होगा या नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम लोग वाटरफॉल के ये जो पानी गिर रहा है, खाली हो रहा है, इसके हम लोग विपरीत हैं, यानी कि अंदर आ गए हैं, क्योंकि ये जो है केव की तरह ऐसे की हुआ है, यानी गोल टाइप है, ऐसे की, ऐसे की क्या बताएं यार, सुराही की तरह, सुराही की तरह है ये पूरा, आप देख रहे हैं तो गिर रहा है पानी, जो इधर आ रहा है अचानक, ठंडी लग रही है, बचा के इधर से यहाँ पे देखिए एकदम कूलिंग कूलिंग। आप लोग यार जरूर आइएगा, बस बचा के जाना है, अभी मैं वहाँ पे जाऊँगा नहाने। तो आप लोग यार वीडियो को लाइक करिए यार, लाइक करिए, कमेंट करिए आप लोग आएंगे कि नहीं अगर आसपास के हैं तो। चलिए अब हम लोग बचा के जाएंगे वहाँ से, देखिए सभी लोग मेरे दोस्त लोग हैं वहाँ पे हैं, कैमरे पे इतना ज़्यादा बूंद आ रहा है, इतना ज़्यादा बूंद आ रहा है ना, इसकी बौछार की तरह, ड्रिजलिंग की तरह, हम लोग एकदम अपोजिट है। अब जा रहा हूँ मैं खुद वहाँ पे नहाने मोबाइल से बचा के, वहाँ भी देखिए पहली बार आया हूँ तो इंजॉय करना है ना।
उधर देखिए आप जी बैठ के, यहाँ से एसी का ड्रिजनिंग फुहारा का पूरा कैमरे से आ चुका है पानी। तो दोस्तों सभी लोग नहा रहे हैं, यहाँ पे देखिए मोबाइल का कैमरा थोड़ा बुरा आ रहा होगा क्योंकि इससे आ चुका है पूरा फव्वारा, यहाँ से हो रहा है वाटर हुआ। दोस्तों पूरा एकदम मोबाइल पे आ जा रहा है कोई ऐसा पानी का, एकदम कैमरा खराब हो जा रहा है, नहीं तो हम पूरा अंदर जाके रिकॉर्ड करते। वहाँ पे देखिए सब चिल्ला रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं कौन कौन है। तो दोस्तों आप देखिए मैं वहाँ पे गया था, एकदम कुछ दिख नहीं रहा है, फिर भी मैं जाऊँगा वहाँ पे, मोबाइल ना खराब हो यार, यही तो एक मोबाइल है, बाकी गिरना भी संभलना भी एकदम मस्त है। वहाँ पे पानी है, थैंक यू। तो इस समय हम हैं रामनगर और वाराणसी के पुल पे, और यहाँ से आप देखिए क्या नजारा है, क्या व्यू है, और यहाँ पे एक लाइट भी देख सकते हैं जल रही है जो इसमें नहीं दिख रही है, और यहाँ पे देखिए व्यू है, ये 80 घाट बनारस का सभी प्रसिद्ध घाट है, यहाँ से दिख रहा है व्यू। अभी हम लोग जाएंगे बीएचयू होते हुए, और ये है रामनगर का पुल, तो काफी आकर्षक लग रहा है, ये पूरा बहुत ही शानदार लगता है रात में जब आप घाट के किनारे पे जाएंगे। ये कितना शानदार व्यू आ रहा है, और ये रामनगर का पुल हम लोग इसे बोलते हैं, अब जो भी इसका ऑफिशियल नेम हो। क्या शानदार है यार बनारस।